हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको आलिया का टॉप की कटिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। और इसी के साथ मैंने नीचे बनाया है सर्कुलर प्लाजो, जिसकी वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी कटिंग करना। यहाँ पे मैंने अस्तर को इस तरह से रख लिया है और ये है हमारा मेन फैब्रिक। सबसे पहले हम अस्तर में निशान लगाएंगे और अस्तर की ही कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अस्तर वाले कपड़े में निशान लगाना। तो अभी देखो, यहाँ पर अस्तर को मैंने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। और यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग अलग निकाल रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच के कपड़े को सीधा कर लेना है। ये हमारा ऊपर से थोड़ा सा तिरछा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब इस निशान के यहाँ पे हमें अपने शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेज़रमेंट में आपका शोल्डर आ रहा है, आप उसका हाफ़ कर लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 14 इंच, 14 का मैं आधा करूँगी यानी कि हाफ़ करूँगी तो आएगा 7 इंच। अब इसी निशान से नीचे को, जहाँ पर अपने शोल्डर का निशान लगाया था, इसी निशान से नीचे को हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच तक एक लाइन खींच लेनी है। देखिए, अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से आगे को हम नेक वर्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं ले रही हूँ 3 इंच। और अब इस निशान को यहाँ पे इस वाले निशान से मिलाते हुए इसे हम तिरछी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो हम ऊपर से 1 इंच नीचे आए थे, इसी पॉइंट से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे आर्म होल भी है मेरे मेज़रमेंट में 7 इंच, तो हम इस तरह से 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और इस निशान को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे हम अपने राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हमें राउंड चेस्ट के लिए निशान लगानी है। जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है, आप उसमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें और फिर जितना आए उसे 4 से डिवाइड कर दें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच, 34 में मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया तो आया 37 इंच, और 37 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9.25 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरह से 9.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे अपनी राउंड चेस्ट के लिए। ये देखिए इस तरह से। अभी देखो, जो मैंने आर्म होल के लिए यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाया था, इस निशान को ध्यान में रखते हुए इसे हमने स्ट्रेट लाइन से भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इसे मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है। अब जो आर्म होल वाली लाइन है, ऊपर से 1 इंच छोड़ने के बाद इसका हमें मिड पॉइंट ले लेना है। जहाँ पे भी मिड पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे इस तरह से निशान लगा के इस निशान से अंदर को और बाहर को 0.25 इंच हमें जाना है। ये देखिए, अंदर को भी और बाहर को भी हमें 0.25 इंच पर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ऊपर मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो अंदर वाला निशान है, इससे हम फ्रंट वाले आर्म होल का निशान लगाएंगे यानी कि इससे, और ये बाहर वाला जो निशान है, ये हमारा बैक आर्म होल का निशान होगा। तो अभी देखो, पहले मैं इस तरह से हल्के हल्के निशान लगा लेती हूँ फ्रंट आर्म होल के लिए, और ये है हमारा बैक आर्म होल का। तो अब यहाँ पर हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। ये देखिए, अब हमें इन जो ये लाइन है, इन लाइन को डार्क कर लेना है। तो ये है हमारा बैक आर्म होल, इसे मैंने इस तरह से डार्क कर दिया है। देखिए, और जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है, इसे भी हम इस तरह से डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। कट करते टाइम इसमें हम पहले बैक ही आर्म होल कट करेंगे, फ्रंट को कट नहीं करना है। पहले हम बैक आर्म होल ही कट करेंगे, वो मैं आपको आगे बताते रहूँगी कैसे कैसे करना है। तो अब हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को अपने बॉडीज पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाना है, यानी कि अपर पार्ट की लेंथ के लिए। तो यहाँ पे ये है मेरे मेज़रमेंट में जो रेडी नाप है, वो है 13 इंच। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच नीचे से सिलाई में जाएगा जब हम इसमें नीचे से फ्रिल ज्वाइन करेंगे। तो ये मैंने 14 इंच पर निशान लगा दिया है। देखिए, और अब हम इसी निशान के यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में कमर आ रही है 30 इंच, इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो आएगा 32 इंच, और 32 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हमें मिला लेना है। और अब ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन से आगे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। इस साइड वाला मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 1.5 इंच का ले रही हूँ। तो इस तरह से 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊँगी, और अब इस मार्जिन वाले निशान को मिलाते हुए इसे भी हमने स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। देखिए, और
अब हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसकी पूरी मार्किंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने आमूल के लिए फ्रंट और बैक दोनों आमूल का शेप दिया है। नेक का शेप मैं अभी बाद में दूंगी, तो चलिए पहले हम इसे कट कर लेते हैं इसी मार्किंग के ऊपर। इसे हमें पूरा कट कर लेना है, फिर बैक पार्ट के लिए हम इसे ट्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरह से इसे हमें कट कर लेना है, ये देखिए। और आमूल यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों का दिया हुआ है, लेकिन पहले हम बैक आमूल को ही यहाँ पे कट करेंगे। अब देखिए बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने कपड़े को इसी तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है, इसमें हम अच्छे से आयन कर लेंगे और ऊपर से यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे हाफ इंच छोड़ते हुए, ये देखिए। और इसमें हमें अच्छे से आयन कर लेनी है। अब इसी लाइन से, ये जो लाइन है ऊपर से, इसी लाइन से नीचे को बिल्कुल मिलाते हुए हमें अपने ये जो अभी मैंने पार्ट कट किया था इस पार्ट को इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। ये देखिए मैंने इसमें आयन भी कर दी है। अब ऊपर वाली लाइन से इसे मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इसे हम यहाँ पे पूरा ट्रेस कर लेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ये मैंने ट्रेस कर लिया है, ये देखिए। तो अब ये हुआ हमारा बैक वाला पार्ट। मार्जिन का मैंने साइड से 1.5 इंच का निशान लगा दिया है और इसे हमने कट भी कर लिया है, देखिए। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। बचा हुआ फैब्रिक हम साइड में रखेंगे और यहाँ नीचे से ऊपर को 1/2 इंच पे निशान लगा के हल्का सा नीचे से राउंड शेप दे देना है। और इसमें भी अभी मैंने नेक का शेप नहीं दिया है, वो हम बाद में देंगे अभी। तो अभी देखो ये जो मैंने फर्स्ट में कट किया था इस वाले पार्ट को हमें रखना है और इसमें हम फ्रंट आमूल भी कट करेंगे। और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो इसमें हमारा आलिया कट वाला शेप भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर को, यहाँ पर आपको जितना ऊपर चाहिए आलिया कट वाला शेप वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 5 इंच, 4.5 इंच, 4 इंच, वो आप अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.5 इंच। तो इस तरह से मैंने 4.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है, देखिए। ये निशान आप 5 इंच भी ले सकते हैं, जितना भी ऊपर आपको चाहिए आलिया कट वाला शेप। अब इस निशान को हमें यहाँ पे साइड से मिला लेना है इस तरह से स्ट्रेट लाइन से, ये देखिए। यहाँ पे इसे मिलाते हुए हमें एक लाइन खींच लेनी है, ये देखिए। और अब कट करने से पहले यहाँ पे मैं हल्का सा इसे इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी। बहुत ही कम मैंने यहाँ पे राउंड शेप दिया हुआ है। अब इसी शेप के अंदर इसे हमें कट कर लेना है, ये देखिए। ये आलिया कट वाला शेप मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रंट आमूल भी मैं कट कर लूँगी। तो ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट, तो फ्रंट आमूल भी मैंने कट कर दिया है। अब हम इसके नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक विड्थ मैंने ली थी 3 इंच, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। नेक डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, यहाँ पर नेक की डीपनेस मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस तरह से 7 इंच पर निशान लगाऊँगी और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है हमें यहाँ पर इस तरह से। और अब इस निशान को यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसे भी हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पे आप नेक का शेप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से हल्का सा वी शेप दे रही हूँ, ये देखिए राउंड में, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये मैंने नेक का शेप दे दिया है फ्रंट वाले पार्ट के लिए। और 1/2 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है, इसे हम कट अभी नहीं कर रहे हैं, ये हम बाद में करेंगे जब मैं स्टिच करूँगी इसे उसी टाइम। तो ये हमारा बैक पार्ट। अब बैक पार्ट की नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 इंच, नेक विड्थ 3 इंच ही रहेगी, डीपनेस मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। और इसे इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हम नेक का शेप देंगे राउंड में, और इसे भी हम अभी कट नहीं करेंगे। ये मैं आपको स्टिचिंग वाले पार्ट में ही बताऊँगी किस तरह से हमें इसे कट करना है। अब मेन फैब्रिक में भी हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो अभी मैंने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ से ये फोल्डेड साइड है, सामने से ओपन साइड है। अब एक फोल्ड इसे हम और कर लेंगे, ये देखिए। अभी हमारा कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड में हो गया है। सबसे पहले ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ ऊपर से नीचे को हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे पूरे में, और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर हमें 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और ये जो मैंने निशान लगाया है इसी निशान से नीचे को हम 3 इंच डाउन आएंगे और 3 इंच तक एक लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, देखिए। अब ये जो मैंने निशान लगाया है इस निशान को यहाँ इस कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरह से एक तिरछी लाइन खींचेंगे। और अब इस वाली लाइन को हमें मेज़र करना है, यानी कि इस लाइन को हम नापेंगे और इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से पहले मिड पे निशान लगाना है, उसके बाद इन दोनों का भी मिड लेना है,
और उसके बाद यहाँ पे भी मिड लेना है। अब जो मैंने निशान लगाया है, इन निशानों को हाफ हाफ इंच ऊपर लाते हुए हमें इस तरह से पहले बैक अमूल का शेप देना है। ये देखिए बैक का मैंने शेप दे दिया है, अब मैं फ्रंट का दूंगी। तो देखो ये फ्रंट का हो गया और ये बैक का हो गया, फ्रंट और बैक दोनों का मैंने शेप दे दिया है। अब लेंथ के लिए निशान लगाना है, तो ऊपर से हाफ इंच छोड़ने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन से नीचे को हम अपने स्लीव्स की फुल लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव्स की फुल लेंथ है 22 इंच, और इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से जाएगा सिलाई में और 1.5 इंच नीचे से डबल फोल्ड करने में, तो ये आएगा 24 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो 24 इंच ही आ रहा है, तो इसे हम इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव्स के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो ये मेरे मेजरमेंट में है 8 इंच, 8 का हम आधा करेंगे तो आएगा 4 इंच। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर एक निशान लगाऊँगी, और उसके बाद अब इस निशान को यहाँ ऊपर हमें इस निशान से मिलाते हुए से जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इस लाइन से आगे को हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, तो यहाँ पे इस तरह से 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, बॉटम पार्ट पे भी 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों मार्जिन वाले निशान को मिलाते हुए हमें जॉइन कर लेना है। ये देखिए, तो स्लीव्स की मार्किंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से इस तरह से इसे कट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आम होल में हम बैक आम होल को कट करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे एक कट लगाएंगे, और अब हम स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे। देखिए, और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट हमने निशान लगाया था, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, और फ्रंट और बैक के जो मेन फैब्रिक हैं इन दोनों पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी देखो ऊपर का हमारा वर्क वाला कपड़ा है, नीचे मैंने प्लेन जॉर्जेट लिया हुआ है और इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। सामने से ये ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड साइड है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा फ्रंट वाला ये पार्ट है, इसमें हमने जो आलिया कट का शेप दिया था वो नीचे से ऊपर को 4.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर पे निशान लगा के यहाँ पे आलिया कट का मैंने शेप दिया था। तो अब जो हमारा इसका बॉटम वाला पार्ट कटेगा वो 4.5 इंच मुझे यहाँ से एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये हमें सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट के लिए ही 4.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आलिया कट वाला शेप आएगा। और देखिए 4.5 इंच पर निशान लगा के इसे मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ये देखिए, अब इस लाइन से नीचे को हम अपने बॉटम पार्ट की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए जितनी भी आपके मेजरमेंट में टॉप की फुल लेंथ आ रही है उसमें से आप 13 इंच माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसे हमने कितना कट किया हुआ, देखिए इसकी लेंथ मैंने 14 इंच ली है, और ये हमारा मार्जिन के साथ है, 1 इंच मैंने नीचे से मार्जिन लिया हुआ है। रेडी नाप इसकी 13 इंच है, तो हमारी जो फुल लेंथ है उसमें से हम 13 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि 13 इंच का हमारा ऊपर का बॉडीज पार्ट रेडी आएगा। तो फुल लेंथ है हमारी 28 इंच, 28 में से हम 13 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 15 इंच, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा जब हम अपने टॉप पार्ट को ज्वाइन करेंगे ऊपर से, और 1.5 इंच हमारा नीचे से डबल फोल्ड करने में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूरे में 17 इंच पर एक निशान लगा लेना है। ये देखिए, और इसे भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, और सेम इसी तरह से मैं इसका अस्तर भी कट कर लूँगी। ये मैं आपको अभी मेन फैब्रिक कट करके दिखा रही हूँ, और सेम इसी तरह से फिर हम इसके लिए अस्तर भी कट करेंगे। तो अभी देखो मैंने 17 इंच पे निशान लगा दिया है, सेम इतना ही निशान हम अपने बैक पार्ट के लिए जो पीस कट करेंगे फ्रिल वाला नीचे से, वो हम 17 इंच का ही करेंगे। सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में ही मैंने 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है ऊपर से, क्योंकि ये हमारा आलिया कट शेप के लिए है। तो देखिए ये मेरा 17 इंच आ गया, ये मैं सेम 17 ही इंच का एक पीस और कट करूँगी बैक पार्ट के लिए, और फ्रंट वाले पार्ट के लिए मैंने ऊपर से 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है आलिया कट शेप के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये सामने से ये ओपन साइड है, ये देखिए यहाँ से ये खुला हुआ भाग है। ये देखिए, तो जहाँ से ये खुला हुआ पार्ट है यहाँ से तो हमें साइड से इतना ही चाहिए, यानी कि 17 इंच ही चाहिए। सिर्फ यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ही हमें 4.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। जिस तरह से हमने टॉप पार्ट में इस तरह का एक शेप दिया था आलिया कट के लिए, सेम इसी तरह से हम इसके बॉटम पार्ट पे भी इस तरह का एक शेप देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से तो हमें 4.5 इंच मिल जाएगा एक्स्ट्रा, और यहाँ पर साइड से हमें ये 17 ही इंच मिलेगा। देखिए, तो आलिया कट के लिए हमें सिर्फ फोल्डेड वाली साइड से ही 4.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बाकी ओपन वाली जो साइड है वो हम यहाँ पे इसी लाइन में मिला देंगे। देखिए,
तो अब इसी निशान के ऊपर इसकी हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मैंने आलिया कट पर और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आलिया कट किस तरह से कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट के लिए बॉटम पार्ट की कटिंग कर दी है, इसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर मैं एक कट भी लगा लूँगी। अब हम एक 17 इंच का यहाँ पे एक पीस और कट करेंगे, ये हमारा बैक पार्ट के लिए होगा। तो बैक पार्ट के लिए तो हमारा स्ट्रेट ही कट होगा, तो यहाँ पे हम इस तरह से 17 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो अभी देखो हमारे बैक पार्ट के बॉटम पार्ट की कटिंग भी हो गई है। सेम इसी तरह की मैं दो पीस और कट कर लूँगी अस्तर वाले कपड़े में। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग करना बताऊँगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।